नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जॉब अपडेट में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी निकली हुई है पानीपत रिफाइनरी के अंदर, आपको उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप जो उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हो जिसमें कि मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता रखी है। आपका वहाँ पर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, वहाँ पर आपको लास्ट डेट क्या है फॉर्म को भरने की, तो सारी डिटेल्स मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है। और ये जो फॉर्म है दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल से भर के बताने वाला हूं, तो आप भी जो है अपने मोबाइल से इस फॉर्म को यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखेंगे, उन थ्री डॉट्स पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में कर लेना है जिससे कि आपको इस फॉर्म को फिल करने में आसानी रहेगी। इतना करने के बाद दोस्तों ये जो इसको अप्लाई करने की लिंक है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जो इसी होम पेज पे आ जाओगे जिस जो मैंने अभी आपको दिखा रखा है। तो इस होम पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन आपको चलती हुई दिख जाएगी, तो इस पे क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल चुका है। और अगर आप इसका पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हो जिसका कि मैंने आपको वीडियो बना करके पहले दे 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 दिया, तो आप भी उस वीडियो को यहाँ पे जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करना है, सिंपली आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे आपका पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फीस डिटेल और सबमिशन। तो आपका ये सारी प्रोसेस करने के बाद ही यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट होगा। आप देख सकते हो इसका ऑनलाइन फॉर्म जो भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 12 अक्टूबर यानी कि आज से इस फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग हो चुकी है। और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 7 नवंबर 2020, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना आपको सिंपली नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप सबसे पहले आपको यहाँ से पूछा जाएगा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्शन की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको फिल करके बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम है तो यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है जेंडर, तो यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मेटरनल स्टेटस, तो अगर आप मैरिड हो तो मैरिड और सिंगल हो तो सिंगल यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डेट का जो भी डे है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है जो भी यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ का मंथ है। और उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ईयर वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आपके डेट ऑफ बर्थ की जो भी ईयर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपका जो भी फादर का नेम है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको मदर्स नेम डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको रिलीजन सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा, तो जो भी आपका रिलीजन है जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, तो आपको यहाँ पे अपना रिलीजन को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रिमिलियर, SC, ST, तो आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हो उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद स्टेट ऑफ ओरिजिन और डोमेसाइल, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उस स्टेट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सारे स्टेट मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे राजस्थान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पे कैटेगरी को स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने SC ST और OBC के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको आपका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका जो आपने जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है उस पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था उसकी यहाँ पे आपको डेट टाइप करनी है, यानी कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी जो डेट लिखी होगी उसको इशू करने की कब इशू हुआ था उसको यहाँ से आपको उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होता है उसमें यहाँ पे आपको
जो अपना नंबर लिखा हुआ कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको नंबर टाइप कर देना है कैटेगरी सर्टिफिकेट के। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे सिंपली नो करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ से आपसे क्या, यहाँ से पूछा जाएगा हैव यू एवर बीन फाउंड एन यू एन फिट ड्यूरिंग मेडिकल एग्जाम अनफिट ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई रिफाइनरी यूनिट वाइल सीकिंग एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस अपॉइंटेड इन द पास्ट। तो आप जो है पहले कभी अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है IOCL से, तो आप उस जिस भी रिफाइनरी या जहाँ पे भी आपने अप्रेंटिस की हुई है, तो आपने वहाँ पे पहले कभी अनफिट हो तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप फिट हो तो यस करना है, और अनफिट हो तो यहाँ पे आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा हैव यू बीन डायगोनाइज विद एलिमेंट्स डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे आपको बीमारी के बारे में पूछा जाता है, आप पे भी आपको क्या करना है, सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आपको कौन सी बीमारी थी, ये अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो। उसके बाद यहाँ से आपको इतना प्रोसेस करने के बाद अब क्या, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी सिटी डालनी है, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ से आपके एरिया का पिन कोड, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उसके पिन कोड क्या है। और उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर वही देना है जो आपका यहाँ पे एक्टिव हो। उसके बाद यहाँ से आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो भी आपका सब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है उसका यहाँ पे आपको नाम टाइप कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से आपको प्राइमरी ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस भी डालना है, क्योंकि आपकी जितनी भी जानकारी होगी वो कंपनी के द्वारा आपको या तो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के ऊपर ही यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे ऑप्शनल ईमेल आईडी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, वरना इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। उसके इतना डालने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, और सिग्नेचर का साइज जो है वो आपका 4 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप सिग्नेचर की जो हाइट है वो 40 पिक्सल और विड्थ 150 पिक्सल से यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। इसी साइज में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और आपको जो अपना फोटो अपलोड करना है वो आपको 10 KB से कम का नहीं होना चाहिए, और अपनी फोटो की जो साइज़ है वो 125 पिक्सल हाइट और विड्थ 95 पिक्सल होनी चाहिए। इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जहाँ पे भी फोटो रखा हुआ है तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है, तभी आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा, और उसी प्रकार यहाँ से आपको अपना फोटो भी अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको आगे की प्रोसेस के लिए नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने जो है क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, इसमें आपसे पूछेगा वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, तो आपको इसमें यहाँ पे सिंपल यस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा वेदर पास, तो आपको यहाँ पे पास पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपको यस पे क्लिक कर देना है, आपने अपना जो डिप्लोमा है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा इंस्टीट्यूट नेम या फिर स्कूल नेम, तो आपने जिस भी कॉलेज से यहाँ पे आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है उस कॉलेज का यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ द एजुकेशन बोर्ड, तो यहाँ पे आपने कौन से बोर्ड से आपका कॉलेज अफिलिएटेड है, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से डिप्लोमा किया हुआ है उस बोर्ड का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपसे पूछा जाएगा मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन, तो यानी कि आपने अपने डिप्लोमा में एडमिशन कौन से ईयर में लिया था, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक आइडिया से अपने यानी कि आपको जुलाई और आपने जिस भी ईयर में यहाँ पे आपने एडमिशन लिया था उस ईयर को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है ईयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आपको मंथ ऑफ ईयर पासिंग, तो यहाँ ना आप यहाँ पे आपने अपना डिप्लोमा कौन से ईयर में कंप्लीट किया हुआ है, तो इसकी डेट जो है यहाँ पे आपके डिप्लोमा की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उस पर यहाँ पे आपको अपनी डेट मिल जाएगी लिखी हुई, तो आप वहाँ से देख करके इस पर अपना मंथ ऑफ ईयर पासिंग में यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, तो यहाँ पे आपका कोर्स जो है 3 साल का यहाँ पे आपका कोर्स होता है डिप्लोमा का, तो यहाँ पे आपको ईयर वाले ऑप्शन में 3 लिखना है, और मंथ में आप आपको 0 0 कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपका 3 साल का यहाँ पे आप डिप्लोमा होता है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट द मार्क्स एंटर पैटर्न फॉर ईच, तो अगर आपका यहाँ पे ईयर वाइज होता है तो यहाँ पे आपको ईयर वाइज सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर आपका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज सेलेक्ट करना है।
इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अब क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे ईयर वाइज होता है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, यहाँ पे आपको अपनी आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए फर्स्ट ईयर में वो यहाँ पे आपको लिखना है, और आपके आपने यहाँ पे कितने मार्क्स प्राप्त किए वो यहाँ पे आएगा, और आपके कितने टोटल मार्क्स का यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपके कितने मार्क्स थे तो यहाँ पे आपको वो लिखना है, यानी कि आपका जो जो भी आपने मार्क्स प्राप्त किए वो यहाँ पे आपको लिखना है, और आपके कितने में से आए हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसी प्रकार यहाँ से जैसे आप फर्स्ट ईयर का ऐड कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या आपकी परसेंटेज जो यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज वाला जो ऑप्शन है इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी काउंट हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की भी अपनी परसेंटेज को यहाँ पे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके सेमेस्टर में सेमेस्टर वाइज अगर आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको अपने जो 6 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक, यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे अपने मार्क्स को डालते हुए जाना है अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड करते हुए जाना है जिससे कि आपके सारे सेमेस्टर यहाँ पे आ जाएंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछा जाएगा, डू यू पोसेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE, MBA या MCA। अगर आपने यहाँ पे अगर BE BTech या फिर MBA या फिर MCA किया हुआ है तो आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर आपने किया हुआ है तो इसको यस करना है, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो नो करना है, और अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आप परसुइंग पे लिख सकते हो, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको इतनी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी। अब आप देख सकते हो जैसे ही आपने वहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन किया होगा तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको अपने एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है वही कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस टाइप को सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यानी अप्रेंटशिप अगर आपने कर रखी है तो आपको अप्रेंटशिप को सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आपके पास कहीं एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का, आपने कहीं पे जॉब की रख कर रखी है तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आपने कहाँ पे जॉब करी है, किसी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, PSU में, स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर ऑटोनॉमस बॉडी में। तो यहाँ पे आपने जिस भी कंपनी इस पर यानी कि जिस भी कंपनी से आप आपने अपना एक्सपीरियंस है आपके पास उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ पे आपका जो भी और जो भी आपका कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा जॉब डेस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको आपने वहाँ पर किस फील्ड में काम किया है उस फील्ड का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यानी कि आप वहाँ पे जो काम करते थे वहाँ पे आपको क्या काम रहने वाला था। उसके अलावा यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन हेल्ड, तो आपको यहाँ पे कौन सी पोस्ट दी गई थी, आपके जो भी पोस्ट पे आप वहाँ पे अपॉइंटेड थे जहाँ पे आपने वर्क किया था उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे कि अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो यहाँ पे आपको लिख देना है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस को यहाँ पे लिख देना है अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा वर्क पीरियड फ्रॉम, तो यहाँ पे आपने कौन सी डेट को कंपनी में जो है अपना वर्क स्टार्ट किया था, आपने जिस भी कंपनी में जो ज्वाइनिंग करी थी वो है आप आपको सेलेक्ट कर लेनी है उसकी डेट, और यहाँ पे आपको कब तक आप अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे ऐड अबो एक्सपीरियंस डिटेल को। लेकिन अगर आपके पास एक ही कंपनी का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको आपने उस कंपनी में अगर वर्क पहले किया हुआ था और अगर आपने अभी छोड़ दिया है तो यहाँ पे आपको उसकी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अभी भी वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आपको करंट डेट यानी कि आज की डेट यहीं पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे अप्रेंटिस किया हुआ है तो अप्रेंटिस वालों को यहाँ पे अपने एज में जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा 1 ईयर का। लेकिन अगर आप नॉर्मल वर्क किए हो तो यहाँ पे आपको 0 या 0 ईयर का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज के अंदर। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसे अपना एक्सपीरियंस को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको अपना टोटल एक्सपीरियंस शो करने लगेगा कि आपने कितना साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस डालने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको पेमेंट करने का, तो आपको सिंपली यहाँ पे जिस भी आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पेमेंट देने के लिए आपका जो पेमेंट लगेगा 150 रुपये यहाँ पे आपका एग्जाम फॉर्म के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, तो
तो आप जिस भी बैंक से यहाँ पे आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सिंपली जो वेबसाइट है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जो इसके पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। और जैसे आप वहाँ पे पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको अपना एक रेफरेंस आईडी वहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो उस रेफरेंस आईडी को यहाँ पे आपको याद रखना है, या फिर उसका यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली जो नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अपना पेमेंट कंफर्म करने के बाद। तो दोस्तों जैसे आप वहाँ पे अपना पेमेंट कर दोगे, तो उसके बाद यहाँ से आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है सबमिशन का। तो जैसे आप इस पे नेक्स्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा क्लिक ऑन वैलिडेट नाउ सबमिट नाउ बटन टू वैलिड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड क्लिक टू सबमिट। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है, आपको इस चेक बॉक्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये जो साइड में आपको चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली नीचे जो वैलिडेट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप सबमिशन से पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन का यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन सबमिशन फॉर पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा प्रीव्यू आ चुका है। तो आपने जो फॉर्म भरा है उसका यहाँ से प्रीव्यू आ चुका है। तो इसको आप जो है ऑफलाइन यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। अगर आपने इसका प्रीव्यू कर लिया है और अगर आप इसमें अगर आपने कुछ गलत यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर दिए, तो आपको इसको यहाँ पे सही कर लेना है। लेकिन अगर आपका सारी डिटेल्स यहाँ पे सही है तो आपको सिंपली अब क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है सबमिट वाले सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। अभी आपको क्या करना है इस पे यस यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आ चुका है, और आपका फॉर्म जो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। और आपको इस रजिस्ट्रेशन को नंबर जो आया है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, इसको यहाँ पे आपको फ्यूचर में या तो आप इसको याद रख सकते हो, या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आपकी जो एक ईमेल एड्रेस पे आपकी इसकी एक पीडीएफ की हार्ड कॉपी भी सेंड कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको इस फॉर्म को भरने में फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो आप जो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।